तुझे इश्क हो खुदा। किस चीज की कमी है अम्मा? अब तो मैं और दुआ भी साथ हैं आपके। लोग निकाह कर लेते हैं, मंगनियां कर लेते हैं और उसकी आड़ में बहुत कुछ। शुक्रिया अम्मा साई, अब हवेली की बड़ी बहू हूं तो सब कुछ आप लोगों के शायाने शानी करना पड़ता है। बड़ी डेट हो तुम, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नौशरवा से चिपकी हुई हो। पता है कभी कभी मुझे हैरत होती है, इसका इतना दर्द है ना तुझे, इसे ले जा। नहीं, तुम्हें ले जाए? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। जीती रहो। और इसे देखे जरा, मतलब भाई को जलील करके गया लेकिन आंसू उसके लिए बहा रही है जो नाराज होकर चला गया। खुदा के लिए किसी को तो बख्श दो, देख लो कितनी परेशान है वो। दिल नहीं भरा था उसका, नौशरवान की जिंदगी में कुछ की क्या, क्या मेरा दिल जला नहीं आज चली आई है। तरस भी आता है जब आप यहां खुश नहीं हैं, तो फिर आप किसी और से शादी करके चली जाए ना कहीं, क्योंकि बाकी सब भी तो यही चाहते हैं। ये क्या कह रही हो? मैंने सारे अकाउंट्स, सारी प्रॉपर्टीज, सब कुछ मेरे नाम कर दिया। मुझे समझ। इंशाल्लाह खुशखबरी बहुत जल्द सुनाएंगे आपको। मुझे हैरत होती है, अपने अंदर इतना जहर लेकर आप जिंदा कैसे हैं? दुआ, दुआ क्या हुआ? वाकई बहुत शुक्रिया। सबको यहाँ इकट्ठा देखकर कितनी खुशी हो रही है। आप कहते तो देखे, जान भी इतनी तेजी से ही दे देंगे आपके लिए। जान नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए, वो भी हमेशा के लिए। शर्मा की जिंदगी से निकल जाओ तो ये नफरत भी खत्म हो जाएगी। कि ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती, मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना जानती हूँ। अम्मा और बाबा साई को तो नहीं बुला रहे मुझसे मिलवाने के लिए? बस आने वाले हैं तो मिल लेना खुद। वैसे तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, मुझे तो लगा था कि ये डिनर तुमने स्पेशली मेरे लिए अरेंज किए। आप हैं, मैं तो डर गई थी। तुम्हें ही देखने आ रहा था। ये कहीं हवेली की भूल को नहीं हूं मैं, राग़िब कर रही हैं। मुझ पर और मेरे काफिले पर जो हमला करवाया गया था वो कश्माला ने करवाया था। उसने मेरी बीवी को मारने की साजिश की थी।